छतरपुर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद के एक मामले की शिकायत एसपी से करते हुए मामले में संलिप्त युवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं एसपी सचिन शर्मा का कहना है कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, साथ ही एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसकी पुष्टि की जा रही है। इस मामले की गहराई से जाँच कराई जा रही है और अगर वीडियो सही पाया जाता है तो युवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे अभी हनुमान टोरिया का मामला है जहाँ पे हमारी विभागीय बैठक चल रही थी विश्व हिंदू परिषद की। इसमें हमारी विभाग संयोजिका सुनीता गर्ग, मातृशक्ति की विभाग संयोजिका मालती रैकवार दीदी भी आई हुई थी। यहाँ पर एक लव जिहाज का मामला चल रहा था, एक लड़की थी उसकी उम्र 20 साल होगी और एक मुसलमान लड़का उसके साथ गलत कृत्य कर रहा था। उसने आवाज़ दी, हम लोग उधर गए, उसको बचाया, उसका मोबाइल भी छीना। मोबाइल में उसके साथ कई मतलब ऐसी फ़ोटो पाई गई हैं जो कई लड़कियों की उसके साथ फ़ोटो थी, उसमें काफ़ी कुछ ऐसी पोज थे जो आपत्तिजनक स्थिति में थे। उसको अंदर लाने के बाद उसको मतलब हम लोगों से उसने मोबाइल छीना और भाग खड़ा हुआ। और ये हनुमान टोरिया की ही स्थिति नहीं है, जो छतरपुर ज़िले में कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे ये कृत्य हो रहे हैं। तो हम लोगों ने एसपी सर को ज्ञापन दिया है कि जो मंदिर वगैरह हैं वहाँ की देखरेख बढ़ाई जाए, सुरक्षा। छतरपुर ज़िले में एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल हो रहा था जो कि हनुमान टोरिया का बताया जा रहा था। इस वीडियो की तस्दीक की जा रही है और अभी बजरंग दल ने ज्ञापन दिया था। इसमें उनके द्वारा बताया गया था कि ये जो व्यक्ति है उसके और भी लोगों से संपर्क हो सकते हैं। हर बिंदु पे इसमें जांच होगी और यदि कुछ निकल के आता है तो इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।